हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैंड नीटिंग विद अनीता। आज ये मैं 6 महीने के बेबी का स्वेटर बना रही हूँ, जैकेट हाफ स्वेटर। तो इसमें मैंने 3 प्लाई की, एक तो मेरे पास ये 3 प्लाई की वूल है और इसमें मैं रेड का कम्बिनेशन दे रही हूँ। तो इसको हम मैंने इसके लिए आगे और पीछे फ्रंट पार्ट बैक पार्ट सारा मैंने एक बारी में ही इसमें शुरू कर रखा है। ये देखिए, सारा का सारा मैंने एक ही बारी में इसको इधर से लेकर और यहाँ पर ये यहाँ तक मेरे काफ़ी फंदे हैं, इसमें मैंने ये इकट्ठा ही शुरू किया हुआ है। इसमें मैंने 130 फंदे डाले हैं, 60 फंदे तो मेरे बैक साइड के लिए और 35-35 फंदे फ्रंट के लिए। 130 फंदे डाले हैं, 130 फंदे। तो फंदे कैसे डाले हैं मैं एक बार आपको ये फंदे डालने बता देती हूँ, उसके बाद ऊपर कैसे बनाया है उसको बताएंगे हम। मैं थोड़े से फंदे डाल के बताते हैं हम। ये देखिए, मैंने किसी भी धागे से डाले तो इसको यहाँ पर डबल धागा कर लेंगे। 10 फंदे में डालती हूँ डबल धागा करके और यहाँ पर इस तरह नॉट सी लगा देंगे, इसके बीच में से निकाल देंगे तो ये नॉट लग गई। ये फंदे हमारे, अब एक फंदा तो ऐसे डल गया, दूसरा फंदा ये देखिए सिलाई को ऐसे करेंगे, इधर वाला पीछे वाला जो धागा है इसको उसमें डाल के और ऊपर से ऐसे खींच देंगे। एक फंदा एक बार तो ऐसे ऐसे डाला, इसके ऊपर से एक फंदा, अब इसी के साथ दूसरा फंदा ऐसे करेंगे, पीछे से इसको डालेंगे, सिंगल धागे को इसके ऊपर से ले जाएंगे और इसके ऊपर से इसको क्रॉस कर देंगे। 4 फंदे डल गए, एक बार सिंपल, एक बार 6 फंदे, इस तरह ये हमारे 6, एक बार सिंपल और एक बार ऐसे 8, एक बार सिंपल और एक बार इसके ऊपर से। तो ये मैंने 10 फंदे आपको डाल के दिखा दिए। ये देखिए, हमारे ये डिज़ाइन वाले बन जाते हैं। ये देखो, इसमें भी आपको अच्छी तरह पता चल रहा है। अब उसके बाद मैंने 1 2 3 4 चार सिलाइयाँ, यानी 4 लाइनें हैं तो ये 8 सिलाइयाँ, 8 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई हैं। 8 सिलाई उल्टी बनाने के बाद मैंने यहाँ पर पट्टी के, ये देखिए 7 फंदे, 2 4 6 फंदे, 6 फंदे पट्टी के इधर छोड़े हुए हैं, 6 फंदे पट्टी के इधर छोड़े हैं, क्योंकि फ्रंट से लेकर ये बैक सब कुछ हमारा एक ही सिलाई में हम बना रहे हैं। 8 सिलाई बनाने के बाद 6 फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाने शुरू किए हुए हैं। उसके बाद एक फंदा हमने सिंपल बनाया है, फिर डाली है एक जाली, धागे को आगे किया और एक जाली डाली है। उसके बाद 5 फंदे, अब ये देखो मैं आपको बताती हूँ, एक जाली तो अब ये इस, जैसे हमने ये सिंपल फंदा बनाया है यहाँ पर, ये शुरू में सिंपल फंदा ये बना लिया, धागे को आगे किया, एक जाली वाला नहीं गिनेंगे, उससे अगला जो हमने बनाया 1 2 3 4 5 फंदे, 5 फंदे बीच में बना लिए। अब ये हमारी वो जो घटारे हैं वो दिख रहा है, इसको हम कैसे बनाएंगे, 2 फंदों को उतार लेते हैं, पीछे से आगे वाला फंदा पीछे करेंगे और ये जो चैन वाला फंदा है इसको हम आगे ले आएंगे। यहाँ पर हम 3 का 1 कर देंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 फंदे चैन के बाद, ये चैन वाला फंदा है उसके बाद 1 2 3 4 5, धागे को आगे करेंगे
अब ये जो बीच में ये लग रहा है इसके साथ एक, फिर दोबारा आगे करेंगे दो, इसके साथ साथ ये जो सिम सीधा फंदा चल रहा है, इधर भी सिम जो चैन चल रही है, इधर भी एक फंदा चल रहा है, इसके आसपास तो हमने जाली डालनी है, इसके आसपास हमारे ये घटाने हैं। अब ये हमने जाली डाल के एक फंदा, दो, तीन, चार और ये पांच फंदे, फिर ये हमारी चैन को पीछे वाले को पीछे से और इस चैन वाले को आगे ले आएंगे, चैन वाले फंदे को मोड़ के आगे कर लेंगे, तीन का एक करेंगे। इस तरह हमारी पूरी सिलाई पांच, बीच में पांच पांच का गैप है और एक बार जाली है, एक बार घटानी है। अब ये देखो ये जाली वाला फंदा तो हम बना लेंगे और इसको, इस जो एक सिंगल फंदा चल रहा है इससे पहले एक जाली, इसके बाद लगातार दो जाली डालेंगे, फिर इसके बाद हम पांच फंदे बनाएंगे, पांच। ये चैन वाला फंदा है, इसको एक इधर से ले लेंगे, एक इधर से ले लेंगे, उसके आसपास के दो फंदों को तीन का एक करेंगे, हम चैन वाले फंदे को आगे ले आएंगे, इस तरह बनाते जाएंगे। अब ये है हमारी एक दो तीसरी जाली है। इस तरह हम एक एक कलर से पांच जालियां डालूंगी मैं, तो ये देखो दो तो डल गई हैं, तीसरी मैं डाल रही हूँ। इस तरह हम पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे, उल्टी सिलाई हमारी सारी उल्टी उल्टी बनी रही। अब ये देखिए, अब मैं पिंक कलर से बनाने के बाद हमने यहाँ बीच में रेड कलर से, फिर ये पिंक कलर से, पांच जालियाँ पिंक कलर से, फिर ये पांच जालियाँ रेड कलर से, पांच जालियाँ इस तरह पांच पांच, और रेड कलर लगाया है तो अब यहाँ पे भी मैंने जैसे लगाया है, ये यहाँ से रेड के बाद हमने पिंक चेंज किया है, तो इसको चेंज करने से पहले चार सिलाइयाँ, ये आपको दिख रही हैं ये उल्टी उल्टी, चार सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर रेड कलर यूज़ किया, शुरू किया है, दस सिलाइयाँ, पांच जालियाँ डाल ली, चार सिलाइयाँ ये, यानी कि दस सिलाइयाँ ये, चार सिलाइयाँ ये, उल्टी उल्टी। इसमें हमने ना घटाना है ना बढ़ाना है, कुछ नहीं करना, सिंपल बनानी है, उल्टी साइड से भी उल्टी और सीधी साइड से भी सीधी उल्टी उल्टी बनानी है। अब इस तरह ये रेड कलर लगाया है तो रेड कलर से पूरी सिलाई को हम इस बैक साइड से, क्योंकि हमें ये उल्टी बनानी है तो हम बैक साइड से ही धागे को, नए धागे को लगाएंगे। इस सिलाई को अब मैं कंप्लीट करूंगी, ये हमारी उल्टी सिलाई है, फिर हमारी राइट साइड आएगी, फिर उल्टी आएगी और राइट आएगी, इस तरह चार सिलाइयां हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। उसके बाद जैसे नीचे हमने पैटर्न डाला था, पांच जालियां डाली थी, सेम वही वही लाइन के, उसी लाइन के ऊपर उसी तरह पांच पांच फंदों के डिफरेंस से तीन का एक करेंगे, जाली डालेंगे, तीन का एक करेंगे, जाली डालेंगे, इस तरह करते करते हम पूरी सिलाई को कंप्लीट करते हैं। तो अब ये मैंने रेड कलर से डालना शुरू किया है, चार सिलाई उल्टी बनाऊंगी, फिर उसके बाद पांच जालियां डालेंगे जैसे ये डली हुई हैं। अब ये हमारी लंबाई इसमें 7 इंच 7 इंच होगी, ये सिर्फ हमारे 6 महीने के बच्चे के लिए है। तो 7 इंच की लंबाई करने के बाद अभी तक तो हम इसमें सब आ गया, फ्रंट पार्ट बैक पार्ट सब अब हमारा इकट्ठा था, जॉइंट था, मैं सारा इकट्ठा बना रही थी। अब हम इनके पार्टीशन कर देंगे, आगे अलग बनेगा, पीछे के अलग, क्योंकि कंधे की कटाई होगी, कंधे का हिस्सा बनेगा और इसको आगे के फ्रंट दोनों पार्ट अलग अलग बनेंगे। अब ये दिखाती हूँ मैं आगे का फ्रंट पार्ट, फ्रंट पार्ट में मेरे इसमें टोटल 130 फंदे थे, 130 फंदे के हिसाब से मैंने 32 फंदे थे, क्योंकि ये थोड़ा डिजाइन का हमने हिसाब रखना था तो इसमें एक दो फंदे फालतू हो गए हैं। तो 132 फंदों में 65 फंदे मैं पीछे रखूँगी और 36 36 फंदों को हम आगे रखेंगे। अब आगे मैंने ये
हिस्सा कर रख लिया। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और एक फंदा हमारे पास एक्स्ट्रा है तो वो मैंने इसी में ले लिया, चाहे हम इसमें बैक पार्ट में दे दें। 36 फंदों से, अब इसमें 36 फंदों में मैंने 11 फंदे 2, 4, 6, 8, 10 और ये 11 फंदे हमने बनाए हैं उल्टे उल्टे, ये फ्रंट पार्ट के। इसी तरह यहाँ 11 फंदे बनाए हैं बैक पार्ट के। बीच में फंदे रखने के बाद 65 फंदों में से 11 फंदे हमने ये बना लिए, 11 फंदे इधर, जब वो कंधे के दूसरे ये बैक पार्ट में एक ही साइड में, एक ही साइड में 11 फंदे हमने कंधे के लिए रखे हैं। और 11 फंदे, फिर 36 फंदे ही हमारे यहाँ पर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 36 फंदों में, ये 18 फंदों में 11 फंदे देखिए, 1, 1 जोड़, 2 जोड़, 3 जोड़, 4 जोड़, 5 जोड़ और ये 6 जोड़े, ये हमारे इसके, ये इस फ्रंट पार्ट के हैं। 36 फंदे हमारे इधर, 36 फंदे इधर, 36 फंदों में 11 फंदे हमने इस आगे पार्ट के, फिर इसके बीच में 11 फंदे उल्टे उल्टे रखे हैं। 11 और 11, 22 फंदे फिर यहाँ पर, जो 11 फंदे इसके होंगे और 11 बैक पार्ट के होंगे। इन 11 फंदों को हम 4 सलाइयाँ बनाने के बाद से, 3 ये लाइनें तो अभी तो 2 लाइनें बनाई हैं, तो 3 लाइनें और बनाने के बाद फिर हम कंधों की घटाई कर देंगे। 5 फंदे इसमें से घटाएंगे, 5 फंदे इस खंड में घटाएंगे और फिर हम इस पार्ट को अलग अलग बनाएंगे, इसको अलग बनाएंगे, इसको अलग बनाएंगे, इसको बनाएंगे। अब हमने सिर्फ 11 इधर से, 11 इसमें, 22 फंदे इधर दोनों के बीच में, यानी 25 फंदे बनाने के बाद, इधर 25 फंदे तो हमारे पैटर्न के जैसा था हमने वो बनाए, और 11 फंदे इसमें और 11 फंदे, ये 22 फंदे हमारे बीच में उल्टे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसी तरह इधर 25 फंदे इस फ्रंट साइड में, इस पट्टी से 25 फंदे इधर हैं, 25 फंदों के बाद 11 फंदे हमारे उल्टे उल्टे इसमें हमने बनाए हैं, जो हमारे कंधे की और बैक पार्ट की पट्टी बनेगी। तो अभी मैं आगे बनाऊंगी तब आपको बिल्कुल इसका पता चल जाएगा। तो अब हमने 25 फंदे पैटर्न के हैं, 11 फंदे, 11 और 11 22, 11 आगे और उसी तरह बीच में, और इधर ऐसे ही इधर से 25 फंदे हमारे इसके हैं फ्रंट पार्ट के, और 22 फंदे बाकी बीच में हमारे जितने भी फंदे हैं वो हमारे पैटर्न के हैं। तो इसको अब हम 4 सिलाइयाँ 6 सिलाइयाँ बना के फिर जब घटाई करूँगी तब मैं फिर बताऊँगी। अब बैक साइड उल्टी पूरी करने के बाद हम आ जाते हैं राइट साइड, वहाँ हमने कंधों की घटाई जो फंदे रखने थे रख दिए। अब आ जाएंगे हमें राइट साइड, राइट साइड में अब हम यहाँ पर करेंगे गले की घटाई। 6 फंदे हमारे पट्टी के हैं, वो हमने पट्टी के बना लिए। अब यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे। पहले हम यहाँ जाली डाल रहे थे, अब जाली डालनी बंद हो जाएगी और यहाँ पर हम कर रहे हैं 2 का 1 फंदा। यहाँ पर 1 फंदा कर दिया, अब हम 1, 2, 3, 4 और ये 5 फंदे हमने बना लिए। अब ये हमारा जो 2 का 1 कर 3 का 1 कर रहे थे उसको हम यहाँ पर सिर्फ हम 2 का 1 इसको मोड़ के और यहाँ पर करेंगे हम 2 का 1। 2 का 1 करने के बाद, क्योंकि इधर हमारी जाली ख़त्म होगी इसलिए हम यहाँ 3 का 1 कर रहे थे, अब ये जाली इधर ख़त्म हो जाएगी, गले की घटाई शुरू हो जाएगी, इसलिए हम 1 ही फंदा अब घटाएंगे। 1, 2, ये 3, 4, 5 अब ये जाली आ गई, अब उसी तरह ही करेंगे, जाली डालेंगे, फिर ये जाली आ गई, फिर यहाँ पर हम जाली डालेंगे, 1, 2, 3, 3 फंदे ये, अब क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने वो घटाई करनी है तो हम यहाँ पे 3 फंदे बनाने के बाद 2 का 1 कर देंगे, यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे, क्योंकि इधर भी हमारी जाली, अब आगे जाली तो है लेकिन आगे फंदे हमारे और नहीं है जो हम इसको, इसलिए 2 का 1 कर देंगे यहाँ पे। अब उल्टे फंदे हमारे 1, 2, 3, 4, 5
सात आठ नौ दस ग्यारह फंदे तो ये हमारे इस साइड के होंगे, अगले पार्ट के होंगे। और इसी तरह ही अब ग्यारह फंदे ये हमारे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ये ग्यारह फंदे हमारे बैक पार्ट के होंगे। अब ये चार दो सिलाइयाँ और बनाने के बाद इसको हम पार्टीशन कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। अब यहाँ पर भी हमारी एक जाली डलेगी क्योंकि इधर फंदे हमारे कट गए, तो इधर ये एक जाली डालकर एक दो तीन चार पाँच। अब यहाँ पर हम तीन का एक करेंगे, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं और जो चैन वाला फंदा है उसको हम आगे ला के भी कर सकते हैं, दो तरीके से करेंगे। इस तरह बनाते बनाते यहाँ पर फिर हमारे ये उल्टे उल्टे 22 फंदे आएंगे, 11 इसके होंगे 11 इसके होंगे। लास्ट में भी हम ऐसे ही यहाँ पर जाली एक डालेंगे और यहाँ पर दो का एक कर देंगे, तो वो हमारे यहाँ से अब गले की कटाई शुरू हो जाएगी। अब ये देखो हमने यहाँ पर छः फंदे ही हमारे थे, उसके बाद बीच में अब हमने यहाँ पर जैसे छः फंदे पट्टी के थे, छः फंदे यहाँ कंधे के रखे हैं हमने, तीन और तीन छः, बीच में हमने ये 10 फंदे घटा दिए। अब छः फंदे मेरे इस साइड के रह गए, दो चार पाँच छः फंदे ये घटा दिए। अब इस तरह ये देखिए, ये इस तरह हमारा कंधे की कटाई होकर यहाँ पर तैयार हो गई है। ये ऐसे देखो यहाँ पे हमने ये कटाई कर दी, तो अब ये हमारा पार्टीशन हो गया है। अब इस तरह ही ये बनाते बनाते यहाँ पे बीच के 10 फंदों को घटा देंगे, 6 फंदे हमारे कंधे इस साइड में फ्रंट पार्ट में रह जाएंगे, 6 फंदे इस पार्ट में रह जाएंगे। बीच के 10 फंदों को घटाकर हमारा पार्टीशन हो जाएगा। अब ये दूसरी साइड, ये एक साइड का तो मैंने इधर आपको दिखा दिया था, ये देखिए। और अब ये दूसरा साइड जो बैक साइड का और दूसरी साइड में, अब यहाँ तक हमने सीधे सीधे पैटर्न के हिसाब से जैसे हमारा पैटर्न था उस हिसाब से बनाए हैं। यहाँ पर अब हम एक दो तीन चार पाँच और छः फंदे तो ये हमारे हो गए कंधे की पट्टी के। अब यहाँ पर हम घटाएंगे, कंधे की जो घटाई होती है वो हो जाएगी हमारी एक दो तीन चार पाँच। पांच फंदे तो हमारे इस कटफट पट्टी के हो गए और पांच फंदे फिर बैक पार्ट के और पांच फंदे एक दो तीन चार और अब पांच फंदे ये हमारे इसके फ्रंट पार्ट की कटाई के हो गए। अब हमारे पास यहाँ पे बच गए एक दो तीन चार पाँच छः फंदे बच गए ये हमारे पट्टी के, कंधे की पट्टी के। पट्टी हमारी साथ साथ बनती जाएगी, मेरे इस स्वेटर में कोई जोड़ नहीं आएगा, कोई सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अब इस पैटर्न को जैसे भी है हमारा इस पैटर्न को बनाएंगे। साइड में अब हम गले की कटाई करते चले जाएंगे, गले की कटाई हमने करनी है। इसको हर घटाते घटाते हमने ऊपर सिर्फ दोनों की कंधों की पट्टी समेत हम 15 फंदे रखेंगे, बाकी फंदों को हम एक एक करके बीच बीच में दो सिलाई बाद कभी तीन सिलाइयों के बाद हम यहाँ पर घटाते चले जाएंगे। अब यहाँ पर सिर्फ हम एक जाली डालेंगे क्योंकि यहाँ हमारा फंदे अब कम रह गए हैं, तो अब यहाँ लास्ट में अब फिर यहाँ पर दो का एक कर देंगे पट्टी से पहले। अब हमारा पार्टीशन, हिस्सों का पार्टीशन हो गया है अलग अलग। अब इसको आगे वाला फ्रंट पार्ट बना लेते हैं। ये देखो राइट बैक साइड से मैं बताती हूँ, दो मेरे पास 36 फंदे थे, अब यहाँ घट के हमारे पास तीन चार पाँच
सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस और अब ये 32 फंदे हैं। अब ये देखिए हमारे हिस्से पार्टीशन हो गया। अब हम ये ऐसे इस हिस्से को यहाँ पर हमारा खुला हो गया, कंधे की गजटाई होगी। अब हम सिर्फ इस हिस्से को बनाएंगे, ये 32 फंदे का फ्रंट पार्ट। अब इधर से हमें कोई गटाई करनी नहीं, 6 फंदों की पट्टी चलती रहेगी, 6 फंदों की यहाँ में इधर ये गले की गटाई चलती रहेगी। सिर्फ हमने हर एक बार छोड़ के एक बार इधर 15 फंदे रखने हैं, यानी कि 6 फंदे हमारे कंधे इस कंधे के, 6 इसके, बीच में 4 फंदे, 6 और 6 12, 3 फंदे हमारे इसके बचने चाहिए। इतने हम इसकी गटाई करते चले जाएंगे। तो ये देखिए ये यहाँ पर ये कटिंग आ गई है साइड में हमारी। सिर्फ अब इसको बनाएंगे, बाद में बैक पार्ट को बनाएंगे। ये देखो मैंने एक हिस्सा फ्रंट पार्ट का और ये हिस्सा बनाकर तैयार कर दिया। यहाँ पर हमारे एक तरफ तो मैंने बस 5 कंधे कटाए थे, उसके बाद हमारा सीधा चलता रहा। लास्ट में जाकर यहाँ हमने इधर से हर सलाई में हमने एक एक कंधा घटाते हुए हमारे पास अब ऊपर बच रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 फंदे बचे हुए हैं। इसी तरह अब ये मेरा दूसरा पार्ट, बैक पार्ट में हमने कुछ नहीं किया। जितने फंदे थे मेरे 60 फंदे हमने नीचे रखे थे, 60 में से 5 इधर घट गए थे, 5 इधर घट गए थे। 10 फंदे घटने के बाद हमारे पास बचे 50 फंदे। 50 फंदों को बनाते बनाते अब हमने इसके बराबर मैंने लंबाई कर ली है। और बस अब मेरे को यहाँ पर लास्ट में जब हमारे पास 4 सिलाइयाँ रह गई है, तो मैंने अब यहाँ पर बॉर्डर यानी कि जो साइड में हमने पट्टी में डाला है उल्टा, तो 4 सिलाइयाँ यहाँ पर हम उल्टी बनाएंगे, तो हमारा ये गले की पट्टी बन जाएगी बैक साइड से। ये देखिए ये मैंने एक सिलाई तो यहाँ पर ये उल्टी बना दी है। अब एक फिर आगे 4 सिलाइयाँ इस तरह बनाएंगे। 4 सिलाइयाँ बनाकर फिर हम इसको ऐसे ये जोड़ देंगे, तो हमारा ये जोड़ हो जाएगा। इसमें मुझे सुई का से बिल्कुल टांका लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल मैं सारा का सारा बिना सुई के जोड़ूंगी। तो ये हम दूसरा पार्ट भी हो जाता है। उसके बाद हम बनाएंगे अपना नेक्स्ट फ्रंट पार्ट। तो सेम ये ही जैसे इस साइड का बनाया, इसी तरह सेम बनाएंगे। घटाई अब हमने कुछ नहीं करनी, सिर्फ गले की घटाई करनी है। कंधे की तरफ हमने एक बार 5 घटा दिए, 6 फंदे हमारे पट्टी के लगातार चलते जा रहे हैं लास्ट तक। तो अब इसको मैं तैयार करके और फिर इसको जोड़ के, अब ये देखिए एक पार्ट तो हमने जोड़कर तैयार कर दिया है। ये देखो बिल्कुल रेडी है। इसमें हमें कहीं भी सुई का टांका लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जोड़ भी दिया, घटाई सब कुछ इसी में ही हुआ है। अब ये हमारा दूसरा पार्ट बनाया है हमने। ये देखो ये हमारा दूसरा पार्ट भी बनकर तैयार हो गया है। इसे अब हम इसी से सिलाइयों से ही जोड़ देंगे। तो इसके लिए हम इसको उल्टा करते हैं, उल्टा करके तीसरी सिलाई से, दो सिलाई में तो ये हमारे फंदे हैं, तीसरी सिलाई से हम इसे जोड़ देंगे। जोड़ते कैसे हैं ये मैं आपको एक बार अभी बता देती हूँ। एक फंदा इसका, एक फंदा इस सिलाई का। इसमें हमारे टोटल दोनों सिलाइयों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 फंदे हैं। 13 फंदों को अब हमें इसको, एक फंदा इसका, एक फंदा इसका, इसको हम 2 का 1 कर लेंगे। उतार लेंगे दोनों फंदों को। फिर यहाँ पर एक फंदा इसका, एक फंदा इस सिलाई का, इस तरह 2 का 1 कर लेंगे।
दोनों को इसके ऊपर से इस फंदे को हम उतार देंगे, इस सिलाई का, इस सिलाई का, और ये जो धागा इस दूसरे सिलाई का धागा था उसको हम लपेटा दे देंगे ताकि वो ढीला ना हो, निकले नहीं। इस तरह हम ये सारे फंदों को बंद कर देंगे अपने। अभी ये भरा दोनों मैंने सील जोड़कर तैयार कर दिए। तो इस तरह हमारी ये जैकेट बनकर तैयार हो चुकी है, मेरी बताने का तरीका। अब इसमें मैं बटन लगा के रेडी कर देते हैं। हमारे बताने का तरीका, बनाने का तरीका, आपको कलर रंग कुछ भी पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो तक बाय।